हाँ हेलो, कैन यू हेयर मी? सर। हाँ, हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था बताइए? स्कूल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक्स। हाँ बोलिए सर एक बार समझा देंगे सर प्लीज। कोल इलेक्ट्रोलाइटिक कोल बेस मेथड उसमें क्या नहीं समझ में आया? सर, मुझे मतलब वो समझ नहीं आया एनोड पे और रिएक्शन सर मेनली। अरे मेन क्या रिएक्शन था? RCO था, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फ्री रेडिकल बना, 5 इलेक्ट्रॉन बचा, रेजोनेंस हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ आया, R फ्री रेडिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल था, दो दो R फ्री रेडिकल, R बन गया, और क्या इसमें? ओके सर, और किसी को डाउट है भाई? और किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा, तो फ्री रेडिकल बनना था वहां, तो आपको मैंने प्रोडक्ट बनाना भी सिखा दिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक कोर्स मेथड में कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, आप बना के देखाएं। देखिए अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो कोना दे दे और आपको क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कोर्स मेथड होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो आपको क्या करना है, मैंने ट्रिक्स बताया था, कुछ नहीं कीजिए रफ में, आप क्या कीजिए बताइए, कूना को हटा कर आपको क्या बनेगा, कूना को हटा के क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा आर में। अब यस सर। ये फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा कि नहीं, बोलो हाँ डबल या ना। जी हेलो सर। एवरीवन, जल्दी बताओ। जी सर। जी हाँ, मैकेनिज्म फिर से समझो, आर कूना लास्ट में, ये कूना हट गया था तो आर फ्री रेडिकल बना था, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अब दो आर था तो आर फ्री रेडिकल कंबाइन करके आर आर बनाया, लेकिन अब यहाँ ये है कि एक ही मॉलिक्यूल में हमें दोनों दिया हुआ है कूना, तो क्या हो जाएगा, कूना को हटाओ, फ्री रेडिकल लगाओ, और फ्री रेडिकल फिर ये यहाँ पर मिलके क्या दे देगा, डबल बॉन्ड दे देगा, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इससे ये यस साबित हुआ कि अगर एक कूना लेंगे तो अल्केन बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल में दो कूना ले लेंगे तो अल्कीन भी बन सकता है, बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ लिखें इसको। हाँ, सबको समझ में आया, आगे बढ़े, बताइए, यस सर। स्वस्ति भंडारी को आ रहा है समझ में? थैंक यस सर। यू। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अब एक ही मॉलिक्यूल में है तो तुम क्या, 1 2 3 4 5 6,
अब देखो खुद दिमाग लगाओ, 3 4 5 6। अब बताओ कूना को हटाओ, अब कूना को हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, 1 2 3 4 5 6। ये आपस में ज्वाइन करके साइक्लोहेक्सेन बना लेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस यस सर। बताओ सबको समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड का है कि अगर आपको CH3 कूना दिया हुआ है तो डबल कर दें, CH3 CH3 हो जाएगा। जब एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग पे आपको कूना दिया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। अरे बोलिए ना। जी सर। यस सर। वेरी गुड। अरे गौरव जी आपको आ रहा है, गौरव जी। यस सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बस बना दीजिए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बनाइए आप। तो कूना को हटाओ और क्या लगाओ, स्पाइरो कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? स्पाइरो। हाँ, एक होता है बाईसाइक्लो। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। जी सर। थैंक यू। तो चलिए, 4 मेथड हो गया, नहीं 3 मेथड हुआ कि 4 मेथड हुआ, 3 हुआ होगा, 3। हाँ, तो देखिए क्या क्या था। वुड्स रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का तरीका दो था, एक वुड्स रिएक्शन और एक था रिडक्शन, और एक अभी तीसरा पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड, चौथा पर ये डीकार्बोक्साइलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एग्जाम में मत लिख दीजिएगा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड क्या कहते हैं डीकार्बोक्साइलेशन। अब ध्यान देना है इसमें भी, सुनो अच्छे से, मैं सीक्वेंस में इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसमें भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। जिस तरह अल्काइल हैलाइड से अल्किन बनाने का 2 मेथड वुड्स और रिडक्शन, सिमिलरली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्किन बनाने का 2 मेथड, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड और एक है डीकार्बोक्साइलेशन। तो अल्केन की प्रिपरेशन का में बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन 4 आपको सिलेबस में पढ़ना है, और जैसे जैसे आप आगे जाइएगा आपको आएगा समझ में। तो नीचे लिखिए, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकले, सारे लोग लूज कार्बन डाइऑक्साइड, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन। कहीं कहीं पर अल्किन भी बन सकता है। बोलिए। यस सर। व्हेन हीटेड विथ
सोडा लाइम किसके साथ हीट करेंगे जल्दी बताइए सोडा लाइम हाँ इस कॉल्ड डीकार्बोक्साइलेशन बहुत आसान है तो देखो ये एग्जाम में जब भी आए स्कूल व्हाट इज द डीकार्बोक्साइलेशन तो व्हेन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम सारे लोग बताइए क्या यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने हाँ या ना जल्दी बताइए yes, sir. Wait, sir. हाँ लिखिए 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 गुड Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. पहले शॉर्ट फॉर्म में समझिए आर कूना है सोडा लाइम के साथ हीट किया कुछ नहीं करना है कूना को हटाओ एच लगाओ क्या बोलना है कूना को हटाओ और क्या लगाओ एच लगाओ अब क्या मैकेनिज्म है वो बताएंगे आपको हम सोडियम बाइकार्बोनेट सर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुआ हुआ वो बताएंगे इसी में है कार्बन डाइऑक्साइड अब देखिए पहली बात सोडा लाइम जो होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम CaO इसमें ज्यादा अमाउंट होता है किसका NaOH का बोलिए सबको समझ में आया यहां तक जल्दी बताइए yes, sir. इसमें कुछ नहीं करना देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखिए कहीं कहीं पे एग्जामिनर ऐसे भी दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा आर सी ओ एच भी लिखा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो कोई बात नहीं है बतवा बराबर है मैंने दोनों फॉर्म में लिखा दिया देखिए क्यों दोनों सही इसलिए है पहले इस तरह लिखिए मैं फिर मैकेनिज्म समझाता हूं तो सोडा लाइम के साथ हीट करने पर डी कार्बोक्साइलेशन होता है लिख लिया यस सर सबसे हो गया यस सर एक सेकंड सोडा तो डीकार्बोक्साइलेशन में क्या है सोडा लाइम को हटा दीजिए और एच लगा दीजिए ओके एवरीवन यस बोल हाँ ज्यादा अमाउंट में सोडा लाइम में कौन होता है NaOH NaOH वेरी गुड यस NaOH है कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है NaOH है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन इसीलिए मैंने कहा इधर से देखिए सारे लोग मैंने क्यों कहा कार्बोक्सिलिक एसिड है NaOH है ये एसिड बेस रिएक्शन होगा वाटर हट जाएगा आर कूना बन जाएगा डिड यू अंडरस्टैंड और आपको मालूम ये एक तरह का सॉल्ट है सॉल्ट आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाता है जल्दी बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं जल्दी बताएं प्लस Na प्लस एनी प्रॉब्लम बोल ही नहीं रहा है भाई कुछ तो बोलो यहाँ तक समझ में आया yes, sir. तो बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है इस कंपाउंड में हाँ या ना यस सर यस सर
केमिस्ट्री का रूल हमेशा याद रखो, जब भी किसी पर नेगेटिव आएगा ना तो ये प्लस आई इफेक्ट एग्जर्ट करेगा। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये यहां, जैसे ये यहां आएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। हाँ जाना जल्दी बता दो। यस सर। रूल है तुमको, मैं ये आज पहली दफा सुने हो, बहुत दफा ये आएगा। किसी पर भी जब भी रिएक्शन हो रहा होगा मैकेनिज्म में, किसी पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, तो ये टूटेगा। तो देखो R माइनस बना। मैकेनिज्म क्यों समझाया जा रहा है? आपसे चार कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, कहेगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लिखो। आप स्टन पहुंच जाएगा, वो बेचारा तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के गया कि भाई एल्केन बना। आपसे पूछ देगा चार कार्बोक्सिलिक एसिड देके व्हाट इज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे कल मैंने पढ़ाया था वुड्स रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्टिव किस में होगा? RI में। अरे बोलिए, याद है ना? यस सर, सेकंड। हां तो आयोडीन। उसी तरह यहां पर R बना। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हां या ना। तुम 9th-10th के स्टूडेंट, NOH बचा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड सब बचा हुआ, फिर ये NO2CO3 बना देगा कि नहीं, जल्दी बोलो। yes, हाँ। अब देखो वाटर तो बना है, वाटर कंटेनर के अंदर ही है, तो इससे H प्लस लेकर ये RH बना देगा। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, एक और बार सर। हाँ एक दफा और, ठीक है एक दफा और दोबारा समझा देते हैं। देखिए के कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए या सोडियम सॉल्ट डायरेक्ट लीजिए, बतवा बराबर है। तो NaOH हुआ, तो यहां पर AB रिएक्शन हो गया। अमिताभ बच्चन रिएक्शन बोलो या एसिड बेस रिएक्शन बोलो। सुना सारे लोग, यहां तक आ गया समझ में? आया ना? यस सर। तो R कूना बना, यहां तक आ गया आया ना? अब ये, अरे जिसने पूछा वो तो कुछ बोले हाँ या ना। अरे मानस बिन शाह बादशाह, देख रहा था उसे। हाँ बोलिए ना, आपकी वजह से देखिए पूरा स्लाइडे में गायब कर दिया। दोबारा समझा रहा हूँ भाई, आप इतने अजीम शख्सियत है, मैं क्या बताऊं आपके बारे में। यहाँ देखिए सॉल्ट है ये, और ये आयंस में ब्रेक हो गया। सॉल्ट तो आयंस में देता, आयनिक कंपाउंड होता है ये। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब केमिस्ट्री में देखो ये ओ माइनस है और यहाँ रेजोनेंस भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड CO जानबूझ के दिया जाता है रेट को फास्ट करने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहेगा निकालो, समझा कि नहीं? तो ये प्लस आई इफेक्ट एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखिए ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी कि नहीं? यस दो दो पांच बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकता, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो R पे माइनस आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। और केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं? कार्बेनायन। हाय हाय बोलो ना, कार्बेनायन। यस सर। हाँ वाटर तो ऑलरेडी है रिएक्शंस में, तो ये RH H प्लस के साथ RH बना देगा। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड NOH बहुत सारे अमाउंट में मौजूद है, वो फर्दर रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट NO2CO3 बना देगा। हमें बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट अल्केन से मतलब है। बताइए आया समझ में यहाँ तक? जी सर। यस सर, आ गया। हाँ लिखिए। तो आप देखिए एग्जाम में इतना करना नहीं है, मैकेनिज्म आपको ये वाला नहीं, मैकेनिज्म कौन वाला पूछेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक में यही है कि आप मैकेनिज्म को समझें, सिर्फ समझें। और आपको प्रोडक्ट बनाने का रूल है कि कूना हटाएं एच लगाएं, दिस इज द ट्रिक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सुना सारे लोग? यस सर। यस सर। हाँ लिखिए। तो बहुत सारी रिएक्शन आने वाली है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी रिएक्शन पर कमांड होगा।
गौरव आप कुछ पूछना चाहते हैं? गौरव समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। हाँ गुड। Has everyone noted down this slide? Yes, sir. Yes, sir. Good, good. Yashwardhan ji, Gaurav ji, matrix sab logon ne lik liya? Yes, sir. Lik liya. Thank you. Pahle product ki practice, phir main achha achha point sab lik bataunga. Gaur se sunen. Aapko examiner CS3 kuna de dega. Examiner upar dekh dega soda line. Aur aapko kahega heat karna. कूना भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो आप क्या बनाएंगे? CH4 बाई प्रोडक्ट सब मिलकर NO2CO3। डिड यू अंडरस्टैंड? बस कूना हटाओ, एच लगाओ, कार्बन घट रहा है, देखते रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सुनो अच्छे से। तुमको दे देगा सोडा लाइम, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो। कूना हटाओ, एच लगाओ, कूना हटाओ, एच लगा। अब NO2CO3 नहीं लिखूंगा तो तुम चिल्लाना मत, सर आपने नहीं लिखा, तो अपने से लिख लेना मेरे भाई। ओके? यस सर। हाँ आप सुनिए, मैं कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस दे दे। कूना बताओ क्या है, क्या तरीका है प्रोडक्ट बनाने का? बताओ, कूना हटाओ, एच लगाओ, एच लगा। बस तो एच हटा दिया, अपने आप अंदर आ गया एच। अरे बोलो ना, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अरे बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। yes, अच्छा sir. अच्छा, क्यों बुक लिखता है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन में अल्केन सब, बेंजीन सब बन जाएगा। कूना है, हाय 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 हाय, देखो अल्केन बेंजीन है, तो देखो एच हटाओ, बेंजीन बनाओ। बोलो, हाइड्रोकार्बन इसलिए लिखा रहता है, डी कार्बोक्साइलेशन से सिर्फ तो सिर्फ अल्केन नहीं बना। अल्केन बनाने का एक मेथड है, दैट द रीजन इस मेथड में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोकार्बन का वर्ड भी है। अल्कीन भी बन सकता है, अल्केन भी बन सकता है, बेंजीन भी बन सकता है। बोलिए ना, बोलिए ना। यस सर। यस सर। तो हाइड्रोकार्बन में आता है ना, बेंजीन भी तो हाइड्रोकार्बन में आता है। हाँ, स्पेशली अल्केन बनेगा, स्पेशली मोर टेंडेंसी अल्केन बनाने की, लेकिन हर तरह का अल्केन बन सकता है। आगे बढ़े, बताइए। एक मिनट सर। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, एकदम लिखिए आप। अरे आसिया को आ रहा है समझ में कुछ? उनको आमना अब्बास को आ रहा है? यस सर। थैंक यू। लिख लिया है सब लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। स्वस्ति आपको अच्छे से आ रहा है ना? स्वस्ति। यस सर। चलिए, इसका प्रोडक्ट जानते हैं आप? मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बताइए, नाम भी लिख सकते हैं अगर पूरा स्ट्रक्चर ना आए। प्लीज मुझे सब लोग प्लीज स्ट्रक्चर नाम लिखकर बताइए। स्ट्रक्चर नहीं, नाम हीट करके क्या बनेगा, जल्दी बताएं। दिस इज वेरी वेरी आसान, मैं बताइए। यस, सब लोग मैसेज कीजिए, इंक्लूडिंग स्वस्ति भंडारी। When sodium salt of the carboxylic acid is heated with soda lime, then alkane is formed through the elimination of carbon dioxide. Boliye. Yes. Propane ban gaya. Very good. Sabka propane answer aya. Kuna hatao, H lagao.
कोना जहां पर हटेगा उसी के साथ एच लगेगा. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. आगे बढ़ते हैं. आप ये तो प्रोडक्ट बनाने आपको आ गया. थैंक यू. असल पॉइंट पर आप आइए कि एग्जामिनर प्रोडक्ट बनाने के अलावा क्या क्या पूछ सकता है. तो गौर से सुनिए. आपसे एग्जामिनर पूछेगा चार कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा. रेट ऑफ डीकार्बोक्साइलेशन मान लिया एक ये, मान लीजिए एक ये दे दिया, मान लीजिए एक ये दे दिया एक ये दे दिया. आपको क्या क्या बताओ कि तीनों में अल्केन बना, किसमें रेट फास्ट होगा. तो ऑर्गेनिक का एक रूल है मैं आपको बता रहा हूं. केमिस्ट्री कहता है जब भी किसी रिएक्शंस की रेट पूछी जाए तो आप माइंड में मैकेनिज्म लाइए और देखिए कि उस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बन रहे हैं कि नहीं. तो आपने देखा इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बन रहा है. इंटरमीडिएट तीन होता है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन. बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ. यस सर. यस सर. और ये मैं उस वक्त भी चिल्ला चिल्ला के समझाया था जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा. समझ में बात आई? तो कोई कहेगा अरे स्टेबल होता तो रिएक्शन स्लो. भाई रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगा. यहां कह रहा है इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा. पॉइंट टू बी नोटेड. मैं लिखवा भी दिया था, सारे लोग गवाह हैं. अगर केस किया जाए तो वहां गवाही पेश करनी है आपको. लिखाया गया था, बताएं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन. अब जिसको कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी नहीं आएगा उसको आंसर ही नहीं दे पाएंगे. ये सब पढ़ाया जा चुका है कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती है. नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट क्या एग्जामिनर पूछेगा आपसे. एक तो प्रोडक्ट बनाना, व्हाट इज द डीकार्बोक्साइलेशन व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम देन अल्केन इज फॉर्म या हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो आपको आना ही चाहिए. दूसरा यहां पर यह है तो आप देखिए क्वेश्चन पहले ये लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं. और से लिखिए आंसर. यस आगे बढ़े. यस जैसे एग्जांपल ए सी एस थ्री कोना, बी सी एस थ्री सी एस टू कोना, सी. समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो एवरीवन. सी एस थ्री सी एस थ्री कोना, डी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री कोना. यस अगर इसमें हाँ आपको कहेगा रेट ऑफ डीकार्बोक्साइलेशन किसमें ज्यादा होगा फास्ट. चलो आराम से बताओ. तो सबका कार्बेनाइन बना. अच्छा बताओ इसमें कार्बेनाइन क्या बनेगा बताओ. सी एस थ्री कोना को हटा के माइनस. यहां पर कार्बेनाइन कौन बनेगा? सी एस थ्री सी एस टू माइनस. यहां पर कार्बेनाइन कौन बनेगा? टर्शरी कार्बेनाइन. अरे बोलो हाँ या ना. कोना को हटाओ एच लगाओ तो भाई पहले नेगेटिव बनता है ना. देखो ना, देखो मैकेनिज्म में. ओ माई गॉड, देखो मेरे भाई R- माइनस बना के. यस जब भी ना समझ में आए रफ में आपको इसका इंटरमीडिएट बना लो. मैकेनिज्म इसलिए समझाया जाता है. अच्छे क्वेश्चन विदाउट मैकेनिज्म हो ही नहीं पाएंगे. अब बताओ इसमें मोर स्टेबल कार्बेनाइन कौन है? ए ये तो टर्शरी है ना, प्लस आई इफेक्ट चार्ज को बढ़ाता है तो स्टेबिलिटी कम होता है. बोलो हाँ या ना. हाँ तो ए में फास्टर जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल रिएक्शन फास्टर. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. मैंने कहा था GOC मजबूत कीजिए, अपने आप ये सब चीजें आएंगी आपको. अब जिसको कार्बेनाइन नहीं आएगा तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं भाई. ए हाँ यस तो कार्बेनाइन. हाँ इसमें हीट करते तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो वही है कूना हटाओ H लगाओ तो बस H जोड़ देंगे. इसमें कूना हटाओ H लगाओ CH2 हो जाता, प्रोपेन हो जाता. इस वक्त तो समझा कि नहीं, ये तो प्रैक्टिस आपको मैं करा ही चुका. बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए. यस सर. गुड थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल टू. जल्दी जल्दी लिखिए मेरे साथ.
CH3 CH2 कूना। बी पार्ट है CH2 NO2 CH2 कूना। सी पार्ट है CH2 Cl CH2 कूना। डी है CH2 साइनाइड CH2 कूना। चलिए जल्दी से रेट बता दीजिए जिसका कार्बन आयन स्टेबल रिएक्शन वुड बी फास्ट। ओके स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, जब सबसे ज्यादा इसमें माइनस आई या फिर सबसे ज्यादा इसका है कि नहीं, बी यस सर, डी फिर सी फिर ए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। प्रोडक्ट बनाना हो कूना हटाओ एच लगा दो बस। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर। प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जल्दी बताइए ना, कुछ नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को लगता है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। एक लास्ट एग्जांपल से एक पीछे वाला पेज। ओके मानसविन शाह, आप तो बादशाह है ना। ओके थैंक यू, आगे बढ़े। यस सर, लिख लिया। यस यस, प्रोडक्ट इसमें अगर बनना चाहते तो क्या बनाते? सर CH2F-. नहीं नहीं, मेन प्रोडक्ट CH3F बनता। यस हाँ, CH4 बनता, यहाँ CH3Cl बनता, सब कुछ वही रहेगा, H हटा देना, H लगा देना है। ओके चलो बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जल्दी बोलिए। ACB। हाँ अच्छा बताइए, ए में हाइड्रोजन है, कार्बन है, और मैंने आपको सिखाया था डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, याद आया किसी को? जी सर। यस सर। यस सर। यस, जरूरी नहीं कि तीन क्लोरीन आएगा भाई, एक क्लोरीन भी आएगा तो देखो वैकेंडी हो जाएगा कि नहीं। हेलो एवरीवन, सतर्क रहना है। तो सी है, देखिए मैंने तीन रिवीजन कराने की गलती वाला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, देखो हाँ, अगर ये फ्लोरीन दूर होता हाँ तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि अब देखिए मैंने कहा ना जिस कार्बन पर नेगेटिव उसी पर हैलोजन हो, अब यहाँ पर नेगेटिव ये होता है तो अब इसका यहाँ पर वैकेंडी एडजेसेंट होना चाहिए, याद आया कि नहीं? अब ये एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ पर अब माइनस आई ही लगता। अरे बोलिए ना। जी सर। यस सर। हाँ तो इसलिए सी फिर ए फिर बी, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। ओके यस सर, डी ऑर्बिटल वाला ज्यादा स्टेबल। चलिए तो ये पूरा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया, इतना चार मेथड आपको याद रखने हैं, और मेथड है वो अल्किन में भी आएगा, रिडक्शन ऑफ अल्किन, वो तो अल्कीन में खुद आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप पढ़ लेंगे। मेन चार मेथड है वो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का, दो मेथड वुड्स रिएक्शन एंड रिडक्शन, और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने का दो मेथड, डीकार्बोक्साइलेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस So, अभी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन चूंकि पूरी ऑर्गेनिक अभी पढ़ी नहीं है अभी, तो और मैं कन्वर्जन वगैरह सब कराऊंगा, मैं मीथेन को इथेन में कैसे कन्वर्ट करें, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो
तो पूरी रिएक्शन पे ही डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। डिड यू अंडरस्टैंड क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी बोलिए। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो देखिए अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप आइए फिजिकल स्टेट। क्या टॉपिक डालिए जल्दी बोलिए, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, हाँ। तो आपको ये बात मालूम है, इसमें बहुत आसान है, C1 से C4 रहेगा तो गैस होगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसेस, रूम टेम्परेचर वो गैस होता है। C5 से C17 जो होता है मेरे दोस्त, लिक्विड होता है। क्या होता है? और लिक्विड, हाँ। उसके बाद तमाम अल्केन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हेलो हेलो बोलिए, सॉलिड। हाँ, मोहा, C18 ऑनवर्ड या सॉलिड। एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये फेनामेना है रूम टेम्परेचर। बस हमको रूम टेम्परेचर से मतलब है ना, अरे बोलिए ना जी सर। और अल्केन्स जो होता है ना आर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, एंड अडरलेस, कोई महक नहीं होती। चलिए ये है, आप देखिए कोई ऐसा रीजन पूछे क्यों ऐसा हो रहा है तो आप पढ़ चुके हैं। देखिए मॉलिक्यूलर गैसेस स्टेट याद कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जब होगा तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्स है, दैट द रीजन फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चेंज, हाँ, तो इसका रीजन भी है, ऐसे थोड़ी ना है, चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो सॉलिड में सबसे, हाँ बोलिए, रिपीट कर देंगे फिर से। हाँ, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। गैसेस स्टेट में पढ़ा है आपने, या केमिकल बॉन्ड में? लास्ट टॉपिक पढ़ा, लास्ट टॉपिक केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डिस्पर्शन फोर्स, ये सब पढ़ाया था ना, याद कीजिए ना, गवाही दीजिए ना आप लोग, सब पढ़ाया जा चुका है। यस, तो वही कोई कहे ना ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, फिजिकल स्टेट क्यों चेंज हो रहा है भाई, तब कहिए। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा फ्रॉम गैस टू सॉलिड। आगे बढ़ें, गवाही दीजिए। यस सर। यस, अब आइए, सब लोगों ने लिख लिया एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, गौरव साहू, मैत्री, यशवर्धन जी लिख लिया? यस सर। यस, थैंक यू। अब आइए सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सुनिए अच्छे से, अब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट, पोलारिटी, पोलारिटी, अरे बोलिए ना आप लोग, हाँ में तो हाँ मिलाइए। यस, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ती है, तो आज पढ़िएगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कमजोर हो जाता है। पहले इतनी सारी बातें लिखी आप, थैंक यू सर। हाँ बोलिए सर। HB क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिकल अप्रोच, साइंटिफिक स्टूडेंट हैं आप, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं आप, माशाल्लाह, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमसे गलती हो गई, मैं तो फुल फॉर्म बताने वाला था, पहले ये पूछ लिया आपने। ये मॉलिक्यूलर वेट है भाई,
जहां शॉर्ट फॉर्म आता है मैं रात में भी याद आता है तो मैं हंसने लगता हूँ। शॉर्ट फॉर्म तो हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लिया यशवर्धन जी? यस सर लिख लिया। वो लास्ट में क्या के बगल में? ब्रांचिंग, ब्रांचिंग सरफेस एरिया, डाइपोल मोमेंट सरफेस एरिया, ब्रांचिंग दिस इज स्ट्राइव, डाइपोल मोमेंट सरफेस एरिया, एच बी हाइड्रोजन बॉन्ड, एम डब्ल्यू वे मॉलिक्यूलर वेट। थैंक यू सर। बस एक सेकंड के लिए पीछे वाली स्लाइड दिखा देंगे? ये अल्लाह ये तो बहुत बढ़िया, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये बेचारी लिख ही नहीं पाती है। ओके अब देखें सारे लोग, इसमें दो पॉइंट है, प्लीज सुनिए अच्छे से सुनिए। अगर आपसे कोई कहे, पहला पॉइंट यह है कि अमंग द स्टेट चेन है, तो गौर से सुनिए। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, और मेरे पॉइंट को गौर से सुनिए, स्टेट चेन है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? कार्बन एटम बढ़ेगा तो मैं पढ़ा चुका हूं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आपसे हाँ, मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेन की होगी, इथेन से ज्यादा प्रोपेन की होगी, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन की होगी, अरे बोलो हाँ या ना, एंड सो ऑन। जैसे कार्बन बढ़ता रहेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। थैंक यू। देखिए सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से बताइए। सर मैं ऑडिबल? हाँ ऑडिबल ही। सर VFA क्या है? हाँ VFA वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब मीडिया में आने का तरीका है। 10 दफा बोल दिया वंडरवाल फोर्स, अब फिर भी ये मीडिया में आ रही हैं। आगे बढ़ें, बताइए भाई सारे लोग। यस सर। ये भी पूछ लीजिए ना, एम डॉट डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ लीजिए ना प्लीज। नहीं सर वो पता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं पूछ लीजिए, ये भी पूछ लीजिए डैश डैश क्या है प्लीज। हाँ आगे, ये फर आपका हक है, संवैधानिक हक है आपका पूछना, संविधान ने आपको कानून दिया पूछें। आगे बढ़ें जल्दी बताइए सारे लोग, लिख लिया होगा ना सारे लोग, बताइए। यस सर। अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि फॉर आइसोमेरिक, अब चिल्लाना मत, आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर वेट, बोलो हाँ या ना। जी सर। हाँ जब तो यहां पर तुम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, कोई कहे क्यों तो गौर से सुनो। अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, मॉलिक्यूल एक्वायर स्फेरिकल शेप, जैसे देखो ब्रांचिंग हो गई, मतलब ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल स्टेट चेंज से थोड़ा सा रोटेट हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो, आने बोलो ना, हेलो हेलो। यस सर। हाँ मॉलिक्यूल एक्वायर्स स्फेरिकल शेप, और आप फिजिक्स सब में पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, स्फेरिकल शेप जब हो गया तो सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट सर्फ, देखो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया घट गया कि नहीं, अरे ज्यादा हो गया बोल रहा है सरफेस एरिया, अरे चाय प्यारे चना खाओ विदाउट मसाला, सरफेस एरिया घट गया कि नहीं जल्दी बताएं भाई। अब देखो स्टेट चेन में वंडरवाल फोर्स कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एकदम डिटेल में बता दिया। अच्छा एक दफा बता, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बी डॉट पी टी का फुल फॉर्म क्या है? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। हाँ हाँ बॉइलिंग, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, थैंक यू। ये सबको समझ में आ गया, जल्दी बताएं हाँ या ना। जी सर। यस सर। हाँ वेरी गुड।
इस बैच में तो शॉर्ट फॉर्म लिखना ही गुना है भाई। ओ माय गॉड, जल्दी लिखें भाई, हाय हाय जल्दी लिखें। लिख लिया। हेलो एवरीवन, यस सर, यस सब लोग लिख लिया, बताइए जल्दी से, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एवरीवन नोटेड डाउन, यस सर, हाँ इंक्लूडिंग आमना अब्बास नकवी, लिख लिया। Yes, so. जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन लिखना सिखाया था ना आपको? यस सर। ठीक, बताओ दोनों में मॉलिक्यूलर वेट सेम है, कार्बन सेम है, बोलो। यस सर। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट एक का ज्यादा हो, इसी को इसलिए कहा जाए आइसोमर। आइसोमर्स क्या होता है प्रॉपर्टी, जबकि कार्बन सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया। बोलो आया सबको, ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस, अरे सबको समझ में आ रहा है ना नॉर्मल पेंटेन? जी सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे स्वस्ति, बहुत देर से नहीं बोलने, स्वस्ति आ रहा है ना? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। अब इसके बाद कुछ बताओ, तीनों में कार्बन सेम नंबर में है कि डिफरेंट? सेम है सर। सेम है सर। तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दोगे सारे लोग, टेक्स्ट मैसेज, कोई चिल्लाएगा नहीं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंक्लूडिंग स्वस्ति भंडारी, कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए सारे लोग आंसर देंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके स्टूडेंट? यस सर। Yes. आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ए। मैसेज कोई बोलेगा नहीं, मैसेज टाइप करो, मैसेज टाइप करो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। मैं सबका मैसेज देख रहा हूं, प्लीज एवरी स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। कोई नहीं बोलेगा, सब लोग मैसेज करें। वेरी गुड, साद नासिर का आ गया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हर्षित का भी आ गया, यशवर्धन। अरे चुप, हम देख रहे हैं ना, बोलना नहीं है ना? नो, हम देख रहे हैं ना। यशवर्धन का भी आ गया, कुसैर का भी आ गया, थैंक यू। सब का आना बाकी है, जल्दी जल्दी प्लीज ट्राई ट्राई ट्राई। आमना, दिव्यांशी, सब लोग मैसेज करें जल्दी से। सर मैंने भी सेंड करा। हाँ हाँ हाँ, स्वस्ति का आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आसिया, आतिफ, मानस बिन शाह, आमना अब्बास नकवी, हमदा, मानस बिन शाह, आसिया। हाँ अच्छा, आपका भी आ गया, हाँ हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। एक स्टूडेंट ने नहीं भेजा है, मैं उनको बोल भी नहीं सकता, अल्लाह वालम कौन है। इशारा काफी है, सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा
यस गौरव जी ने भी भेज दिया, थैंक यू गौरव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए इसमें बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसने ए लिखा है गलत है, क्योंकि देखिए ब्रांचिंग तो बढ़ेगी, लेकिन ब्रांचिंग के लिए क्या कंसेप्ट बताया गया था, मॉलिकुलर वेट सेम होना, यहाँ चार कार्बन है यहाँ पांच, तो नेट मॉलिकुलर वेट इसी का ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया गया कि हमसे क्वेश्चन गलत इसलिए होता है कि मैंने डायरेक्ट ब्रांचिंग नहीं लिखा, देखो क्या लिखा है ऊपर, आइसोमेरिक एल्केन सेम मॉलिकुलर वेट होगा तभी ब्रांचिंग का कंसेप्ट। ओवरऑल मेन डोमिनेंट फैक्टर है कार्बन का ज्यादा होना, कार्बन ज्यादा होगा भले उसमें जितनी ब्रांचिंग हो उससे मतलब नहीं है मॉलिकुलर वेट ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड, ब्रांचिंग का कंसेप्ट लगेगा भी तो आपको सेम मॉलिकुलर वेट में लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही था, कुछ का गलत था, कोई बात नहीं, ट्राई करना चाहिए। ये मैंने जानबूझ के करा दिया कि आपको समझ में, यानी कि ब्रांचिंग देखा झट से बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया, नहीं देखना है मॉलिकुलर वेट सेम है कि नहीं, मतलब दोनों कंपाउंड में कार्बन सेम है कि नहीं। क्या मैं आगे बढ़ूं, सबको समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टीज है आपको मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं पहले मेल्टिंग पॉइंट किसमें मेजर किया जाता है, सॉलिड स्टेट में सॉलिड मेल्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट किसमें होता है, लिक्विड से वेपर में जाना। अरे बोलो ना, सही कह रहा हूँ ना जी? अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, कुछ तो बोलो। हाँ यस, बोलना जरूरी है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब देखिए सारे लोग ध्यान दें, मेल्टिंग पॉइंट में पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा कि केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट को चेक करने का क्या तरीका है। तो देखिए मेल्टिंग, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर एक मिनट रुक गया, मुझे डर बहुत इस बैच में। अच्छा बताइए मेल्टिंग पॉइंट किस स्टेट में मेजर किया जाता है, बताओ सर? सॉलिड। हाँ इन सॉलिड है, सॉलिड से मेल्ट होगा, ठीक है, ओके थैंक यू। यस अब बताइए एमपीटी का फुल फॉर्म क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ये मैंने लिख दिया जानबूझ के, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा भाई। यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेन कंसेप्ट क्या है, वंडरवाल, ये भी है वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। आप सुनिए वंडरवाल फोर्स मेन किस पर डिपेंड करेगा, गौर से सुनिएगा अच्छे से, टाइप्स ऑफ पैकिंग, सॉलिड स्टेट में उसके एटम किस तरह पैक्ड हैं, मतलब सिमेट्री पर। आइस की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए क्लोजली पैक्ड, क्लोज कितना वो क्लोजली पैक्ड है, मॉलिकुलर वेट पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन मॉलिकुलर वेट डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मॉलिकुलर वेट ज्यादा तो वहां बॉइलिंग पॉइंट का वो मेन फैक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए वो टाइप्स ऑफ पैकिंग, वो अपने स्ट्रक्चर में वो कितना क्लोजली पैक्ड बना रहा है। अरे बोलो ना अच्छे से, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस ऐसे पढ़ना है आपको, डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस सर। यस, ये नहीं कहना है कि मॉलिकुलर वेट ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ज्यादा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, बड़ा इरेगुलर रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं। मेल्टिंग पॉइंट का आंसर सतर्क होके देना पड़ता है, इरेगुलर ट्रेंड रहता है। पैकिंग कंसेप्ट समझना है आपको, तो पहले ये स्लाइड लिखिए तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लिया? यस थैंक यू। आगे बढ़े, अरे बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा है भाई दत्त। यस सर। यस सर। अब सुने, अब मैं क्लोजली पैक को समझाता हूं। नॉर्मल ब्यूटेन ले रहा हूं मैं, ए जिसको हम स्ट्रक्चरली ऐसे बना सकते हैं, याद आया? जी सर। नॉर्मल पेंटेन है जिसको हम
इस तरह बनाएंगे, अच्छे से समझिएगा। जब ये सॉलिड स्टेट में जाएगा, अच्छा सॉलिड स्टेट का क्या मतलब होता है, एक एटम की बहुत सारे एटम्स, अरे बोलिए हाँ, ग्रुप्स ऑफ एटम या ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनल कार्बन को देखिए, टर्मिनल का मतलब लास्ट, बताओ अपोजिट में है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, हमें बीच से कोई मतलब नहीं, अपोजिट को देखेंगे। यस, तो जैसे ये सॉलिड स्टेट में गया, सारे लोग गौर से सुनो, तो ये क्लोजली पैक, क्योंकि दो टर्मिनल है, रिपल्शन कम है, क्लोजली पैक्ड बना रहा है स्ट्रक्चर। देखिए इसके एटम इजिली फिट हो रहे हैं इन देयर क्रिस्टलाइटिस, ठीक है। यहाँ देखो टर्मिनल कार्बन सेम साइड में है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ ना। Yes, है, yes. है, तो ये भागेगा, सेम साइड में है ना, रिपल्शन, अपोजिट साइड में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रिपल्शन होने की वजह से ये कहा गया कि जब ये सॉलिड स्टेट में जाएगा ना तो गैप ज्यादा हो जाएगा। इस तरह की पैकिंग दे सकता है ये, तो देखो वाइड आ गया कि नहीं गैप। हेलो एवरीवन, तो केमिस्ट्री कहता है अगर इस दोनों में पूछा जाए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बी का ज्यादा है क्योंकि कार्बन ज्यादा है, और ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो ए का ज्यादा है। हाय हाय, बताइए सबको समझ में आ रहा है, अरे बोलिए ना सर। हाँ बोलिए सर, एक बार सर फिर समझा दीजिए स्ट्रक्चर कैसे। मैंने कहा जब सॉलिड स्टेट में रिपल्शन का मैं क्लोजली पैक बनाएगा ना, ये देखो ये सर रिपल्शन का मैं क्लोजली पैक बनाएगा, यहां सेम साइड की वजह से रिपल्शन होगा, तो इस तरह का गैप, ये समझा रहा हूं मैं कि गैप ज्यादा है इसका। अच्छा बताओ ये क्लोजली पैक बना रहा है कि एन ब्यूटेन, ये देखिए पहले आप बताइए एन ब्यूटेन सर क्लोजली पैक बना रहा है, इसलिए हां वेरी गुड। तो जो क्लोजली पैक बनाएगा उजैर साहब, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा ज्यादा। अब सुने इससे कंक्लूजन हुआ कि दालकेन हैविंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन करस्पोंडिंग अल्केन। ये नहीं कि ब्यूटेन का मुकाबला आप हेप्टेन से करा दें, करस्पोंडिंग ज्यादा कार्बन का डिफरेंस होगा तो फिर मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्या बोला मैंने, द अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन करस्पोंडिंग अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ द कार्बन एटम। क्यों? बिकॉज इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम फॉर्म मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, तो मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्टॉर्ट टू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर। कोई बोल ही नहीं रहा, मैं बोलना जा रहा हूँ, तुम लोग हमें मिला ही नहीं रहो यार। यस सर, यस सर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलें। आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाँ, देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही बोला कीजिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, अ लॉट ऑफ थैंक्स। लिख लिया तो बताइएगा। यस सर। सब लोग ने लिख लिया? यस सर।
लिया यस सर अब आइए इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग तो देखो इस याद रखना कि इट में इंक्रीज और दोनों काम कर सकता है डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग से ही होता है कैसे पहले लिखना शुरू करो मैं फिर एग्जांपल दूंगा otherwise decrease करेगा did you understand yes sir so जैसे मैं आपको order बताता हूँ आगे पर हूँ yes sir लिख लिया सारे लोग yes sir एक मिनट लिखिए लिखिए जैसे CS3, CS2, CS3 गौर से सुनिएगा यहाँ ब्रांचिंग आ गई एक यहाँ ये है एग्जांपल फर्स्ट देखिए मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा आपके पास ये नॉर्मल पेंटेन है बी आइसो पेंटेन है सी अब पेंटेन वाले में देखिए आपको क्लोजली पैक कौन बन रहा है ये पूरी तरह स्फेरिकल हो रहा है कि नहीं जल्दी बोलिए ऊपर भी कार्बन नीचे भी है कि नहीं इसलिए सी ज्यादा सिमेट्री है उसके बाद ए फिर भी यहाँ ब्रांचिंग निकल गया एक तरफ तो फिर इसको पैकिंग करने में परेशानी होगी इस यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ए ही का ज्यादा होगा वही मैंने कहा ब्रांचिंग पर है तो सिमेट्रिकल होनी चाहिए तो समझ में बात आ रही कि नहीं तो ऑब्जर्व किया गया कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है फिर उसके बाद नॉर्मल पेंटेन फिर आइसो पेंटेन यहाँ नॉर्मल ब्यूटेन ही की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि ब्रांचिंग तो हुई लेकिन सिमेट्रिकल ब्रांचिंग नहीं है डिड यू अंडरस्टैंड अरे बोले ना yes, ये दो हाँ ये दो का ऑर्डर बहुत ही मशहूर है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लें कॉम्पिटिशन और स्कूल के लिए तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन में मेल्टिंग पॉइंट ए का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है ब्यूटेन में और मेल्टिंग पॉइंट भी यही का ज्यादा हाँ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा पेंटेन में चेंज है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी बॉइलिंग पॉइंट का था मेल्टिंग पॉइंट में सी का सबसे ज्यादा कि मोर क्लोजली पैक ये बना रहा है मोर सिमेट्री है इसके अंदर समझ में बात आ रही कि नहीं चलिए आगे बढ़े Yes, sir. तीन प्रॉपर्टी चौथा लास्ट है सॉलिड लास्ट है प्लीज
डन सर। तो यहां सारे लोग ध्यान दीजिए, सॉलिबिलिटी में अल्केन्स जो होता है, अल्केन्स आर नॉन पोलर चूंकि इसकी पोलैरिटी बहुत ही कम है, एज वेल एज इट कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है केमिकल बॉन्ड में बताया था कोई भी वाटर में सोलबल होने के लिए कंडीशन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, याद है सबको, इट कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, इसलिए सोलबल नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। क्लियर है? यस। देयरफॉर अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बताइए किसी को कोई पॉइंट? सबको समझ में आ गया? यस सर। तो अल्केन की केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोटे छोटे रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है, समझा कि नहीं? केमिकल प्रॉपर्टीज असल आपको आएगा अल्कीन में। अरे लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? No, sir. सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में सारे लोग गौर से सुनिए, जब भी किसी की प्रॉपर्टी जानते हो तो गौर से सुने। अल्केन में क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड C भी होता है और CH बॉन्ड भी होता है, होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ या ना? सही से बैठे? हाँ, यहाँ देखें, अल्केन में C सिंगल बॉन्ड C और CH बॉन्ड होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। और केमिस्ट्री में जानते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी बहुत ज्यादा, इसलिए आप पढ़ते हैं ना कार्बन की कैटेनेशन टेंडेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन ही की क्यों है, बिकॉज ये लॉन्ग चेन बना सकता है। तो सबसे पहले गौर से सुनो, अल्केन्स आर केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इसको पैराफिन कहते हैं, लेस रिएक्टिव। क्यों? Due to the presence of a strong C single bond C as well as less polarity. एक तो यहाँ पर कार्बन कार्बन है तो चार जीरो, यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही माइन्यूट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। Therefore, alkane shows chemical reaction at very high temperature. इसकी जितनी भी रिएक्शन होगी सब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होगी, या इसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग जब होगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ेगा। हाँ, अल्कीन की रिएक्शन है, अल्कीन की रिएक्शन देखो पाई बॉन्ड वीक है, इसलिए इसमें एडिशन वगैरह सब आएगा, एलिमिनेशन होगा। अल्कीन का कोई करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, ज्यादा ज्यादा अगर ये शो कर सकता है तो सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी सी बॉन्ड रिप्लेस नहीं होगा एच, ये थोड़ा वीक है तो एच हो जाएगा रिप्लेस। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले ये माइंड मेकअप कर लीजिए और आपको अंदाजा होगा नेक्स्ट क्लास में इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है सब स्ट्रॉन्ग हीट पर है, इसलिए इसके स्पेशल रिएक्शन सब है, आइसोमेराइजेशन, अजीबो गरीब रिएक्शन सब, उसमें आपको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते क्या प्रोडक्ट बने सिर्फ एक रिएक्शन को छोड़कर, बाकी में आपको लर्न करना पड़ेगा। क्यों? ये रिएक्टिव है ही नहीं है, इसको रिएक्टिव बनाया जाता है और जब हीट वगैरह देने पर होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस लिहाज से प्रोडक्ट नहीं जो आप प्रिडिक्ट करना चाहेंगे वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए स्पेशल रिएक्शन का नाम सब है आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, क्रैकिंग, पैरालिसिस, ये सब आपको आएगा, इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें कैटलिस्ट का नाम याद रखना है तब आपको होगा। और सब में क्या, अगर आपको ना भी याद है तो आप बेसिक से बना सकते हैं, जैसे भाई अल्केन है
इसका बना सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप अपने से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, भाई बॉन्ड को ब्रेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से एच प्लस आया, ओएच माइनस आया, एच प्लस नेगेटिव, तो देखो अल्कोहल बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। एक आपको समझ में आ गया कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। लेकिन अल्केन में इस तरह की बातें नहीं होगी एक रिएक्शन को छोड़कर, इसलिए वहां पर ये नहीं कहेगा सर हम कैसे आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप केमिकल प्रॉपर्टीज को सुने, अल्केन्स आर केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर due to the presence of a strong C single bond C as well as less polarity, therefore it shows chemical reaction at very very high temperature. ek reaction mein to aap predict kar lenge, wo reaction ka naam hai pehla, dekho CH4Cl2 hai, isme bhi dekho ultraviolet free radical aap kal se shuru hoga, ultraviolet light bahut zyada high temperature hai ki nahi, are bolo na, या ही तो इसमें तुम प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो CH3Cl। जी सर। बाकी जो इसकी रिएक्शन सब जो आएंगे इसको छोड़कर उसमें लर्न कर, लेकिन वो कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं, स्टूडेंट अजीब हो गए, अब वो कर ही नहीं पाते हैं जब तक नहीं पढ़ेंगे आप, समझा कि नहीं, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब देगा, बताओ एन हेक्सेन है उस पर कैटलिस्ट लिख देगा CR2O3, कहेगा प्रोडक्ट बनाओ, आप बता ही नहीं सकते जब तक पढ़ के नहीं जाएंगे, यहाँ बेंजीन बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हीट रहेगा, वहां पर टेम्परेचर भी दिया रहेगा आपको, और जब तक आप पढ़ के नहीं जाएंगे कैटलिस्ट, सूटेबल कैटलिस्ट का नाम याद करके नहीं जाएंगे, आपको बना ही नहीं सकते प्रोडक्ट। इसलिए इसमें खास बात यही है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, चूंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज यूजुअल रूम टेम्परेचर पर शो नहीं होती, इसकी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं। हाँ, मजा कब आएगा अल्कीन में, वहां प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, वहां रूल के मुताबिक प्रोडक्ट सब बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में ये लाइन लिखी आप सारे लोग अल्केन्स, हाँ, तो जिसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी पहले उसके बारे में जानिए ये क्या है, केमिकली इनर्ट एट रूम, रिएक्शन सब आसान है अगर आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो, नहीं पढ़ के जाइएगा तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं क्या प्रोडक्ट देगा जब तक पढ़ के नहीं जाएंगे। अल्केन्स आर केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बाकी सब में कि कुछ पढ़ के भी जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंगल सी बॉन्ड and less polarity, dusra due to which alkane shows chemical reaction at very high temperature, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखिएगा 500 केल्विन, इतने इतने केल्विन पर होगा, देखिएगा आप किसी में 923 केल्विन, ऐसे है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस।